न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 11 सितंबर को अपने गृह जनपद गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुण्यतिथि समारोह में शामिल होने के बाद 12 सितंबर को लखनऊ होंगे रवाना। इमामवाड़ा परिसर से मियां साहब के नेतृत्व में पूरे शान शौकत के साथ निकाला गया मुहर्रम के दसवीं का जुलूस। लोगों ने जगह जगह किया मियां साहब का इस्तकबाल, किया गया फूलों की वर्षा। मियां साहब ने कबूतर उड़ा कर दिया शांति का संदेश। गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 50वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित होगा साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह। 11 सितंबर को कलश शोभा यात्रा के बाद शुरू होगा श्रीमद् भगवत कथा। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। सहारा स्टेट रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी ने प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। चीफ इंजीनियर ने कहा प्रबंधन को कुछ लोग बदनाम करने की कर रहे हैं साजिश, किया मामला जल्द सुलझाने का दावा। महानगर में हर तरफ लग रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। बासमती चावल से बनी गणेश प्रतिमा आकर्षण का बनी केंद्र, दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। गौरी पुत्र गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं मनोकामना पूरी करने की मंगल कामना। गोरखपुर जिला शतरंज संघ द्वारा 3 दिवसीय मुनिलाल जैन स्मृति शतरंज प्रतियोगिता का 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया जाएगा आयोजन। अंडर 11, अंडर 17 और सीनियर वर्ग में खेली जाएगी शतरंज प्रतियोगिता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब नदी में नहीं हो सकेगा प्रतिमाओं का विसर्जन। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए प्रशासन ने राप्ती तट पर बनवाए 3 पोखरे, उसी में होगा विसर्जन। और जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में एफसी गोरखपुर और सद्भावना क्लब गोरखपुर के बीच मैच हुआ ड्रा। दोनों टीमों को 1-1 अंक से करना पड़ा संतोष। 22 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल।